The chart below give information about USA marriage and divorce rates between 1970 and 2000. मतलब नीचे जो हमें चार्ट्स दिए हुए हैं वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूएसए की मैरिजेस और डिवोर्स रेट के बारे में 1970 से 2000 तक एंड द मैरिटल स्टेटस ऑफ एडल्ट अमेरिकन्स इन टू ऑफ द ईयर्स और टू ईयर्स में अमेरिकन्स एडल्ट का मैरिटल स्टेटस दिया हुआ है आपको. क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी. इन दोनों को कंपेयर करके लिखते हैं या फिर कैसे करते हैं? देखो जब भी हमारे पास दो ग्राफ या दो कोई भी फिगर्स दी होंगी अगर तो उनमें कुछ सेम डाटा गिवन है हमें उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं इट मींस उनको हम कंपेयर कर सकते हैं तो हम कंपेयर करेंगे. अदरवाइज अगर उनमें कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा तो अलग अलग लिखेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद देखो हमें फर्स्ट ग्राफ पे आ जाओ. फर्स्ट ग्राफ में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मैरिजेज एंड डाइवोर्सेज इन द यूएसए. यूएसए में नंबर ऑफ मैरिजेज एंड डाइवोर्सेज दिए हुए हैं. किस में दिए हुए हैं? इन मिलियंस. ठीक है. और नीचे हमें डाटा दिया हुआ है 1970 का, 80, 90 एंड 2000. क्लियर है इतना? आफ्टर दैट हमें सेकंड ग्राफ में आ जाओ. क्या दिया हुआ है? मैरिटल स्टेटस ऑफ एडल्ट अमेरिकन्स 1970 एंड 2000. अमेरिकन एडल्ट का मैरिटल स्टेटस दिया हुआ है 1970 और 2000 टू ईयर्स का. ये किस में दिया हुआ है? परसेंटेज गिवन है आपको. ठीक है. ये भी आपने हमेशा ध्यान से देखना है कि इन नंबर गिवन है या इन परसेंटेज गिवन है. क्लियर है. फिर हमें फोर कैटेगरीज दी हुई हैं. नेवर मैरिड कि वो एडल्ट जिनकी कभी शादी नहीं हुई, मैरिड, देन विडोड एंड देन डाइवोर्स. क्लियर है. फोर स्टेटसेस दिए हुए हैं इनके. लिखना स्टार्ट करेंगे. क्या दिया हुआ है हमें? तो द बार ग्राफ्स लिख लो. द बार ग्राफ्स डेलिनिएट द फिगर फॉर न्यूपिटल्स. न्यूपिटल्स हम यूज़ करेंगे वेडिंग के लिए. एन यू पी आई टी ए एल एस, वेडिंग या मैरिज के लिए. एन यू पी आई टी ए एल एस, न्यूपिटल्स मीन्स मैरिजेस. एंड डाइवोर्सेस इन यू एस ए फ्रॉम 1970 to 2000 along with the percentum of marital status of adults there, there वाला there आएगा. In two specific years. एक लाइन स्किप करेंगे, ओवरऑल पे आ जाएंगे. Overview makes it conspicuous that अब मुझे बताओ ओवरऑल में क्या दिख रहा है आपको? मैरिजेस ऑल ओवर डिक्रीजिंग ट्रेंड और डाइवोर्सेस में पॉजिटिव ट्रेंड. हाँ, मैरिजेस में डिक्रीजिंग ट्रेंड और इसमें जिगजैग पाथ. और क्या लिखेंगे ओवरऑल में? सेकंड ग्राफ का भी लिखेंगे ना? क्या आ जाएगा? ठीक है. हाँ, हमें दिख रहा है. देखो जब भी हमारे पास दो फिगर्स होती हैं तो दोनों में से एक एक क्वालिटी ले लेते हैं दोनों की. उसका हम बता देंगे कि जो मैरिजेज हैं वो उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है. ठीक है. और इसमें हम बता देंगे कि जो मैरिड मैरिड एडल्ट्स हैं वो दोनों ईयर्स में हाईएस्ट हैं. दोनों ईयर्स में हाईएस्ट ही है ना, सबसे ज़्यादा मैरिड्स हैं. तो इसके बाद क्या लिखेंगे? ओवरव्यू मेक्स इट कॉन्स्पिक्यूस दैट द नंबर ऑफ मैरिजेस वर ड्रॉपिंग. ड्रॉप हो रही हैं, फेल हो रही हैं. तो हम क्या लिख लेंगे? वर ड्रॉपिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर. ईयर टू ईयर ये ड्रॉप हो रही हैं. वाइल अ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन एडल्ट्स वर मैरिड इन बोथ रिकॉर्डेड ईयर्स. मतलब जो दो रिकॉर्डेड ईयर्स का डाटा हमारे पास है उसमें मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स जो हैं वो मैरिड हैं. क्लियर है इतना सबको? आ जाओ बीबी वन पे. क्या कनेक्टर यूज करेंगे? हाँ, बाय स्क्रूटिनाइजिंग द ग्राफ्स इट इज एविडेंट दैट. देखो अब हमें क्या दिख रहा है ग्राफ में?
कैसे डाटा मेंशन करेंगे हम अपने ग्राफ में, जल्दी से देखो। क्या सेम था? आफ्टर दैट और ना हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो हम लिखेंगे कि पहले मैरिजेस का बता देंगे, फिर डाइवोर्स का बता देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, मैरिजेस और डाइवोर्स को साथ साथ लेके चलेंगे, कंपेयर करके चलेंगे, ठीक है? अगर हम मैरिजेस और डाइवोर्सेस को कंपेयर करते हैं तो डाटा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हमें हर ईयर की पहले मैरिज बतानी पड़ेगी, फिर डाइवोर्स बताना पड़ेगा, फिर उसमें भी बताना पड़ेगा कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है। तो हम प्रेफर करेंगे पहले मैरिजेस का बता देंगे, फिर डाइवोर्स का बता देंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 1970 और 80 में मैरिजेस जो हैं वो सेम है, 2.5 मिलियंस। आफ्टर दैट ये वैल्यू जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हुई, ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे धीरे डिक्रीज हुई और कहाँ पहुँच गई? नो टू पे, हाँ टू मिलियंस पे पहुँच गई 2000 में। बीच वाले ईयर का डाटा हमने स्किप कर दिया क्योंकि हम सारा डाटा नहीं लिखेंगे, वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर है? फिर हम लिखेंगे डाइवोर्सेज का, डाइवोर्सेज जो है 1970 में 1 मिलियन है, फिर सबसे हाईएस्ट किस में है 1980 में, मींस क्या कहेंगे, टच द पीक, पीक को टच कर लिया उन्होंने विद ऑलमोस्ट 1.5 मिलियंस। आफ्टर दैट अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए हैं बाय द फाइनल ईयर। बाय स्क्रूटिनाइजिंग द ग्राफ्स इट इज एविडेंट दैट फ्रॉम 1970 टू 1980 0.5 मिलियन मैरिजेस वर रजिस्टर्ड इन अमेरिका, रजिस्टर्ड इन अमेरिका एंड दिस अमाउंट डिक्रीज्ड ग्रेजुअली टू 2 मिलियन बाय द ईयर 2000। अब यहाँ पे देखो हमने यूज़ किया है डिक्रीज्ड ग्रेजुअली, तो उसे वैसे ही यूज़ करेंगे। अगर आपने ग्रेजुअली यूज़ करना है तो इंक्रीज और डिक्रीज जो भी ट्रेंड है उससे पहले बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप यूज़ करोगे देर वॉज अ ग्रेजुअल डिक्रीज, ठीक है? क्योंकि अगर ग्रेजुअली बन जाता है तो वो एडवर्ब आ जाती है, वर्ब के बाद ही होएगी हमेशा, क्लियर है इतना? उसके बाद आ जाओ इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट द नंबर ऑफ डाइवोर्सेस फाइल्ड FILED वाज अराउंड 1 मिलियन इन 1970, अराउंड 1 मिलियन इन 1970 एंड देन टच द पीक वाज अराउंड 1 मिलियन इन 1970 एंड देन टच्ड द पीक एट ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन, एट ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन अ डिकेड लेटर। मिलियन के बाद कोमा ऐड कर लेना, फुल स्टॉप। दिस फिगर फेल बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट, फेल बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट बाय द फाइनल ईयर, बाय द फाइनल ईयर। एनालाइजिंग फर्दर, सबसे पहले इसमें हम सबसे हाईएस्ट बता देंगे, मेनली क्या है, मैरिड ही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड एडल्ट्स इन अमेरिका। पहले एक बात सुनो कि इसमें हम BP2 में डाटा मेंशन कैसे करेंगे, हमारे पास 2 ईयर का डाटा है, क्या हम पहले 1970 का बताएंगे फिर 2000 का? हाँ, साथ ही बताएंगे क्या चीज़ कितनी इंक्रीज हुई है, क्या चीज़ कितनी डिक्रीज हुई है। हाँ तो लिख लो ड्रॉप्ड फ्रॉम अमेरिका के बाद, ड्रॉप्ड फ्रॉम। एनालाइजिंग फर्दर
द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड एडल्ट्स इन अमेरिका ड्रॉप्ड फ्रॉम कितने थे 70% इन 1970 टू कितने पे आ गए 60 से थोड़ा। ठीक है, दोबारा रिपीट करूँ, मैरिड एडल्ट्स ड्रॉप इन अमेरिका, मैरिड एडल्ट्स इन अमेरिका ड्रॉप्ड फ्रॉम 70% इन 1970 टू कितने भी हो गए, ऑलमोस्ट 60 पहुंच गए ना, टू ऑलमोस्ट 60% इन 2000। 60 से थोड़ा सा कम है इसलिए हमने लिख लिया ऑलमोस्ट 60। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद और कौन सी वैल्यू है जिसमें डिक्रीज हुआ है, विडोट, फिर विडो में है उसमें भी डिक्रीज हो रहे हैं तो हम विडो वाला लिख देंगे। सिमिलरली कॉमा देयर वॉज अ मार्जिनल डिक्रीज इन द परसेंटम ऑफ विडोड पीपल, विडोड पीपल। जिसको समझ नहीं आ रहा साथ साथ पूछ लेना है, ठीक है, फुल स्टॉप। द फिगर फॉर, अब जो नेवर मैरिड हैं और डाइवोर्सी हैं उन दोनों में इंक्रीज हुआ है। अब हमने हमें देखना है नेवर मैरिड कितने थे, ऑलमोस्ट 12 थे, कितने में पहुंच गए, कितना इंक्रीमेंट हुआ 8%। डाइवोर्सेस देखो 1 पे थे, 9 पे पहुंच गए, ऑलमोस्ट 9 पे पहुंच गए, 8% का इंक्रीमेंट हुआ। तो दोनों को इकट्ठे लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, द फिगर फॉर नेवर मैरिड एंड डाइवोर्स्ड वंस, एंड डाइवोर्स्ड वंस, वंस कौन सा लिखेंगे, ओ एन ई एस वाला, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड अ स्लाइट राइज बाय, अ स्लाइट राइज बाय अराउंड 8% फॉर ईच कैटेगरी। हो गया।